हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है फराज देशमुख और आप लोग देख रहे हैं इंटीग्रेटेड फराज। लास्ट लेक्चर में हमने एनपीआर और एनसीआर का डेफिनेशन सीखे थे, उसका डेरिवेशन किए थे और उस पर एक एग्जाम्पल लिए थे। हमारे अभी कुछ लेक्चर्स में सिर्फ एनसीआर और एनपीआर पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि मेन क्वेश्चन तो इस पर ही आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जेई हो या यूपीएससी हो। तो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन में बनते हैं, हम लोग अलग अलग टाइप के एकदम फुर्सत से इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टाइप रहता है गैप एंड स्ट्रिंग मेथड। देखते ही इसमें होता क्या है, एग्जाम्पल समझेंगे हम लोग। फोर बॉयज एंड फोर गर्ल्स आर टू बी सीटेड इन अ रो, फाइंड नंबर ऑफ वेज दे कैन बी सीटेड सच दैट। चार बॉयज और चार गर्ल्स को तुमको रो में बिठाना है, मतलब आठ चेयर्स पड़ी है, चार बॉयज और चार गर्ल्स है तुम्हारे पास, उनको बिठाना है। पहला क्वेश्चन ये है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी किसके बाजू बैठ सकता है। तो हम लोग बोलेंगे आठ जगह है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ जगह है। तो पहली जगह बैठने का तरीका आठ रहेगा, आठों में से कोई भी बैठ जाए। दूसरे का रहेगा सात, जो इधर बैठ गया उधर नहीं बैठ पाएगा, छः, और ये कहानी चलती रहेंगी वन तक। तो आंसर क्या आएगा, एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू डॉटेड वन तक, विच इज़ एट फैक्टोरियल। मतलब आठ लोगों को आठ जगह अरेंज करने का तरीका, नो रेस्ट्रिक्शन, एट फैक्टोरियल। ये तो काफ़ी सिंपल था। सेकेंड केस देखते कि दो पर्टिकुलर गर्ल्स ऑलवेज सिट टुगेदर, दो गर्ल्स उसमें एकदम बेस्ट फ्रेंड है और वो लोग एक दूसरे के साथ ही बैठना चाहती है। तो वो दो पर्टिकुलर गर्ल्स को मैं मान लेता हूँ कि G1 G2 जो है ये गर्ल्स ये हमेशा साथ में बैठना चाहती है, और बाकी G3 G4 B1 B2 B3 B4 ये बॉयज़ है चार, ये बच्चे भी दो गर्ल्स हैं। तो बच्चों इसमें क्या हम लोग क्या करते हैं, जो गर्ल्स हमेशा साथ में, जब भी सिट टुगेदर हमेशा साथ में बैठने का केस आता है, हमेशा साथ में रखने का केस आता है, तो हम लोग स्ट्रिंग मेथड यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग मेथड, तो स्ट्रिंग मेथड क्या होता है, स्ट्रिंग मेथड का एग्जांपल ये है। स्ट्रिंग मेथड में क्या होता है कि तुम लोग जो गर्ल साथ में बैठी है ना, उनको एक स्ट्रिंग में बांध देते, मतलब एक साथ उनको बांध दिए एक तरीके से। तो हम इनको दो ही काउंट करेंगे, हम इनको एक ही काउंट करेंगे, हम इसको एक ही काउंट करेंगे। तो क्योंकि मैं इनको एक काउंट कर रहा हूँ, तो ये जहाँ भी जाएंगे दोनों मिलके जाएंगे, तो इनको एक एंटिटी काउंट करूँगा मैं, दो नहीं। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात चीज़ों को हम अरेंज कर रहे हैं एक तरीके से। तो सात चीज़ों को अरेंज करने का तरीका क्या होगा, सात जगहों पे सेवन फैक्टोरियल, क्योंकि ये लोग हमेशा साथ में हैं। लेकिन ये लोग अपने अंदर अरेंज हो सकते हैं, G1 G2 G2 G1, तो इसलिए मैं इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको टू फैक्टोरियल्स। समझे, स्ट्रिंग मेथड का समझा, मतलब कि जो लोग हमेशा साथ में हैं तो उनको एक स्ट्रिंग में बांध दिए, वो दो नहीं अब एक जैसे काउंट करेंगे। अगर क्वेश्चन होता तीन गर्ल्स हमेशा साथ में है, तो तीनों को एक स्ट्रिंग में बांध दिया और वो एक एंटिटी जैसे काम करते हैं, लेकिन उनके अंदर के अरेंजमेंट मैटर करते हैं। तो वहाँ पर, यहाँ पर टू फैक्टोरियल आया, अगर वो तीन का केस होता ना तो वहाँ थ्री फैक्टोरियल आता। सी देखते, ऑल बॉयज एंड ऑल गर्ल्स स्टे टुगेदर, पूरे बॉयज साथ में रहेंगे, पूरे गर्ल साथ में रहेंगे। तो देखो कैसा होगा, मैंने क्या किया, पूरे बॉयज को एक स्ट्रिंग में बांध दिया, सिट टुगेदर ऑलवेज, मतलब स्ट्रिंग मेथड। पूरे गर्ल्स को एक स्ट्रिंग में बांध दिया। अब मेरे पास अरेंजमेंट कितना है, दो फैक्टोरियल, ये दोनों एक एक एंटिटी है, तो दो ही फैक्टोरियल हो गया। लेकिन ये अपने अंदर तो अरेंज हो सकते हैं ना, अपने अंदर अरेंजमेंट से बॉयज दूर थोड़ी हो रहे, अपने अंदर अरेंज हो सकते हैं। तो ये बॉयज का अरेंजमेंट आ गया, और ये अंदर के अंदर अपने अंदर गर्ल्स भी अरेंज हो सकते हैं, मतलब ये टोटल था। और ये जो था ना, ये बॉयज अरेंजमेंट है, और ये जो फोर फैक्टर, ये वो दूसरा वाला है ना, गर्ल्स अरेंजमेंट है, और ये टोटल का था, दोनों को जब मैंने स्ट्रिंग में बांध दिया। उसी तरह से इधर आप लोग लिख लो कि टू फैक्टोरियल जो था ना, गर्ल्स का अरेंजमेंट था जो स्ट्रिंग में है, गर्ल्स अरेंजमेंट, ठीक है। देन डी, गर्ल्स सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, गर्ल्स अभी हमने किस के लिए, गर्ल्स हमेशा साथ में, अभी क्या बोला है, हमेशा कभी भी साथ में ना रहे। तो देखो बच्चों, हमेशा साथ में जब आएगा ना, तो हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग मेथड, हमेशा साथ में, तो इंग्लिश में लिखा रहेगा ऑलवेज टुगेदर। और गैप मेथड में क्या रहेगा, सेपरेटेड, ऑलवेज सिटिंग सेपरेटेडली, तो सेपरेटली ये रहेगा। तो हम लोग कौन सा यूज़ करें, गैप, गैप से, गैप नाम से मालूम पड़ रहा है। तो बच्चों इधर क्या है, गर्ल्स सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, या तो क्वेश्चन से देखते हैं नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, कोई दो गर्ल्स साथ में ना रहे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं ओके, गर्ल्स को साथ में नहीं बिठाने का, तो हम बॉयज़ को बिठा देते हैं। बॉयज़ का कोई टेंशन नहीं था, हमने बॉयज़ को बिठा दिया।
तो इस तरह से बॉयज़ को बिठा दिया। तो बॉयज़ को जैसे बिठाया उनके अरेंजमेंट 1 2 3 4 4 फैक्टोरियल, चार जगह लोग उपाय कर लिए, 4 फैक्टोरियल, ये क्या हो गया बॉयज़ का अरेंजमेंट। देन अब इनके बीच में गैप्स कितने बन गए, 1 2 3 4 5, पांच गैप है, क्योंकि अगर चार बॉयज़ है तो पांच गैप रहेंगे, अगर 10 बॉयज़ है तो 11 गैप रहेंगे, हमेशा गैप ज़्यादा होता है। तो गैप कितने, 1 2 3 4 5, पांच गैप में तुमको बिठाना है गर्ल्स को। अगर मैं इनके गैप्स में गर्ल्स को बिठाऊंगा तो ऑटोमेटिकली गर्ल्स के बीच में एक बॉय तो आ ही जाएगा, एक ही बॉय आएगा क्या, नहीं भाई, कभी कभी दो भी आ सकते हैं। तुमने गर्ल्स को इधर बिठाए, इधर बिठाए, फिर इधर इधर बिठाए, चार ही गर्ल्स थे तो देखो दो बॉयज़ भी आ सकते हैं। लेकिन मेन बात क्या है कि दो गर्ल्स हमेशा साथ में ना आए, ये हमारा केस था ना, कम से कम एक बॉय तो बीच में आ रही है। तो हम लोग बोलेंगे कितने गैप्स हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन गर्ल्स कितनी है, 4, तो हम क्या करेंगे 5 में से 4 गैप सेलेक्ट करेंगे। तो ये क्या हो गया, गैप सेलेक्शन किसके लिए, गर्ल्स के लिए, फॉर गर्ल्स। फिर 4 गैप सेलेक्ट किए 5 में से, अब 4 गर्ल्स है, 4 जगह है, उनका मल्टीपल क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। फिर वो गैप्स के अंदर गर्ल्स को बिठाती हैं, समझ में आया क्या, ऑलवेज सेपरेटेड है, जिनको भी सेपरेट करना है तुमको उनको बाहर निकालो और बाकी लोग को बिठा दो, और उनके बीच में जो गैप्स है उनके बीच में जिनको तुमको सेपरेटेड रखना था उनको बिठाओ। जैसे गर्ल्स को बाहर निकाल लिए, बॉयज़ को बिठा दिए, 4 बॉयज़ थे, 5 गैप बने, 5 गैप में से 4 गैप सेलेक्ट किए गर्ल्स के लिए, 5C4, और फिर उनको बिठा दिए 4 फैक्टर इस तरह से। देन ई पार्ट को अगर देखूँ मैं, एटलीस्ट 1 गर्ल सेपरेटेड फ्रॉम अदर गर्ल्स, एक लड़की दूसरे लड़कियों से अलग है, अलग बैठी है, मतलब क्या हुआ, चारों एक साथ नहीं बैठे, इसका मीनिंग क्या हो गया, चारों एक साथ नहीं बैठे। सोचो आप, एक इधर बैठी है और 3 कहीं उधर बैठी, चलेगा, 2 इधर बैठी, 2 इधर बैठी, बीच में कोई ना कोई हो, मतलब क्या हुआ, एक अलग बैठी है या 2 अलग बैठी है या 3 अलग बैठी है, तीन अलग बैठी और एक अलग बैठी, एक ही बात हो जाती है, क्योंकि एक जब अलग होती है 3 ऑटोमेटिकली अलग हो जाते हैं, समझ रहे हैं। तो घुमा फिरा के क्या होता है, पूरे केसेस अगर देखूं मैं तो सब केसेस आते हैं इसमें, सिवाय कि सब एक साथ हो वाला केस छोड़ के आता है। हमेशा याद रखो, एटलीस्ट का क्वेश्चन आया ना तो ये सोचो, क्योंकि एटलीस्ट 1 तो 2 का भी केस हो गया, 3 का भी केस हो गया, तो हम लोग ये सोचते हैं कि कभी कोई ऐसी चीज़ में नहीं हो रही है, तो नहीं होने वाली चीज़ क्या है कि हमेशा लोग साथ में हो, कम से कम एक लड़की अलग बैठने का उल्टा क्या होता है कि कोई भी लड़की साथ में, हमेशा चारों के चारों लड़के साथ में ना हो। तो हम लोग कभी भी एटलीस्ट का क्वेश्चन आएगा ना, तो हम लोग बोले टोटल माइनस ऑलवेज टुगेदर। तो मैंने क्या किया, टोटल में से हमेशा साथ में होने वाला केस हटा दिया, तो मेरे को क्या मिलेगा, एटलीस्ट 1 गर्ल सेपरेट वाला केस मिलेगा। तो टोटल क्या था बच्चों, टोटल था कि कोई बाउंडेशन नहीं, कहीं भी कैसे बैठ सकता है, 8 लोग हैं, 8 फैक्टोरियल, नो रेस्ट्रिक्शन वाला केस, माइनस ऑलवेज टुगेदर, गर्ल्स ऑलवेज टुगेदर का केस हमने सॉल्व किए, नहीं सॉल्व किए हमने, नहीं किए हम लोग ऑलवेज टुगेदर का केस अभी करेंगे। इसको कैसे, G1, G2, G3, G4 का एक्सट्रीम में बांध दिए, B1, B2, B3, B4, ये इनको एक एंटिटी मान लिए, 1 2 3 4 5, 5 लोगों को अरेंज करना है, क्योंकि वो पूरे चारों गर्ल्स एक एंटिटी है। फिर इनटू, क्योंकि गर्ल्स के अंदर अपना अपना अरेंज हो सकता है, इसलिए 4 फैक्टोरियल। तो ये गर्ल्स अरेंजमेंट है और ये टोटल अरेंजमेंट है, गर्ल्स प्लस बॉयज, जिसमें अपने एक एंटिटी माने, ये हो गया ई। देन एफ पे आते, बॉयज एंड गर्ल्स सिट अल्टरनेट, मतलब एक बॉय आ रहा फिर गर्ल आ रही, फिर बॉय आ रहा फिर गर्ल आ रही, फिर बॉय आ रहा, इस तरह से। तो बहुत सारे बच्चों का दिमाग चलता है, सर ये तो गैप मेथड है, इसमें भी तो वही हो रहा था, गैप में हम लोग बिठा रहे थे गर्ल्स को, तो गर्ल आई बॉय आ, गर्ल आई बॉय आ, लेकिन क्या ये सेम आंसर आ जाएगा, सेम आंसर आएगा, लेकिन बात क्या है, इधर गर्ल आई, इधर गर्ल आई, इधर गर्ल आई, इधर गर्ल आई, तो ये अल्टरनेट हो गया। लेकिन इधर अगर गर्ल आई, इधर आई और इधर इधर आई, तो बीच में 2 बॉयज़ आ गए, तो बॉयज़ और गर्ल अल्टरनेट नहीं हुआ। तो हम लोग इधर गैप मेथड नहीं यूज़ करेंगे, बहुत ही कॉमन बात है बच्चों के दिमाग में, यही आता है इधर गैप मेथड से करेंगे इसको, हम इधर गैप मेथड नहीं यूज़ करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एकदम प्रॉपरली B1, G1, B2, G2, B3, G3, B4, G4 लिख देंगे। हम बोलेंगे अगर बॉय पहले आता है तो बॉयज़ के
दूसरे बॉयज के पास कोई ऑप्शन नहीं है, पहले पे आ गया तो उनको थर्ड पोजीशन पे दूसरे बॉय को आना पड़ेगा और तीसरे बॉय को फिफ्थ पोजीशन पे आना पड़ेगा, मतलब ऑड पोजीशंस बॉय के ही हो जाएंगे। अगर बॉय फर्स्ट आता है तो थर्ड फिफ्थ सेवन्थ पे आना ही पड़ेगा, मतलब अगर पहले पे बॉय आता है तो बॉय के पास सिर्फ चार ऑप्शन हैं, एक दो तीन चार, इनमें वो लोग चेंजेस हो सकते हैं, इसलिए फोर फैक्टर आ गए। फिर बचे हुए ऑप्शन गर्ल्स के पास कितने बचते हैं, चार ही बचेंगे अल्टरनेटिव, तो ये एक सेकेंड फोर्थ सिक्स्थ एट इवन पोजिशन, फोर फैक्टर। लेकिन बच्चों क्या ये आंसर कंप्लीट है? हाँ वैसे अल्टरनेटिव तो कंप्लीट तो दिख रहा है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है गर्ल्स पहले है तो गर्ल्स पहले है फिर बॉयज़ आए, फिर गर्ल आए, फिर बॉयज़ आए, फिर गर्ल आई, फिर बॉयज़ आए, फिर गर्ल आई। ये केस इसमें आया था क्या? नहीं आया था। अब इसमें क्या किया हमने, गर्ल्स को ऑड पोजिशन दे दिए तो इवन पोजिशन बॉय ऑक्यूपाई किए तो ऑटोमेटिकली अल्टरनेट हो गए। तो मालूम करा ये होगा या ये होगा, तो ये प्लस सेम चीज़ प्लस हो जाएंगे, तो हम इसको इंटू टू कर देंगे क्योंकि टू ए प्लस ए टू ए तो ट्वाइस हो गया, ये होगा या ये होगा। तो इसके केस कितने बने थे, फोर इंटू फोर फैक्टर इंटू फोर फैक्टर, इसके केस कितने बनेंगे, फोर फैक्टर इंटू फोर फैक्टर प्लस में कर लेंगे तो इंटू टू हो जाएगा। ठीक है, एफ के बाद आएगा जी, इफ देर आर फोर मैरिड कपल्स, अगर उसमें चार मैरिड कपल्स हैं और मैरिड कपल तो सेट टुगेदर ही करेंगे, साथ में बैठेंगे, इसको कैसे करेंगे? तो चार मैरिड कपल है तो मान लेते बी वन जी वन मैरिड है, उनको एक स्ट्रिंग में बांध दिए, बी टू जी टू एक मैरिड है, देखो उनको साथ में बिठाना है ना तो स्ट्रिंग मेथड, साथ में बिठाना है तो स्ट्रिंग मेथड, बी वन जी वन एक मान ली, बी टू जी टू एक मान ली, बी थ्री जी थ्री एक मान ली, बी फोर जी फोर एक मान ली। बोलो अभी चार एंटिटी है, कितने तरीके, फोर फैक्टोरियल, और वो लोग हर एंटिटी अपने अंदर अंदर अरेंज करेंगे, अरेंज हो सकता है, तो टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल, तो आंसर क्या है, फोर फैक्टर इंटू टू फैक्टर इंटू टू फैक्टर इंटू टू फैक्टर, टू फैक्टर इज पावर फोर। तो इस तरह से गैप में तो इस पर और क्वेश्चन लेते हैं। तो बच्चों अगर ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक तो सेम ही क्वेश्चन है, बस इधर क्या लिखा, टू पर्टिकुलर गर्ल्स ऑलवेज आर ऑलवेज सिट टुगेदर, ऑलवेज टुगेदर है बट रिमेनिंग आर सेपरेटेड, बाकी लोग अलग अलग है, मतलब क्या हो, वो दो पर्टिकुलर गर्ल तो फिक्स ही रहेंगी, उसमें थोड़ी ऑप्शन है हमारे पास, वो दो गर्ल मान लो जी वन और जी टू है, ये लोग हमेशा साथ में है और बाकी गर्ल्स अलग अलग बैठे, जी थ्री और जी फोर सब अलग अलग है, मतलब इनसे भी अलग अलग है, तो हम लोग इनको वापस से स्ट्रिंग में बांध देंगे क्योंकि ऑलवेज टुगेदर है। तो बच्चे ये जो क्वेश्चन है ना, ये कॉम्बिनेशन है, इसमें सेपरेटेड वर्ड भी आया, ऑलवेज टुगेदर भी आया, ऑलवेज टुगेदर मतलब स्ट्रिंग मेथड, सेपरेटेड मतलब गैप मेथड। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, गर्ल्स को तो अलग रखना ही, इन लोग को तो बॉयज को बेचारों को अलग अलग बैठ पहले बिठा देते हैं हम लोग, और उनके बीच में गर्ल्स को बिठाएंगे, तो बी वन बी टू बी थ्री बी फोर बॉयज का अरेंजमेंट तो हो गया भाई, फोर फैक्टोरियल। गैप कितने, एक दो तीन चार पाँच, इन पांच गैप में से कितने गैप हमारे काम के बताओ, तीन है कि चार है, तीन है करेक्ट, क्योंकि ये दोनों तो एक ही एंटिटी है, तो मैंने पांच में से तीन गैप सेलेक्ट कर लिया, फाइव सी थ्री, पांच में से तीन गैप सेलेक्ट कर लिया, देन तीनों तीनों कहीं रख देंगे तो वो अपने अंदर अरेंज होंगे, तो थ्री फैक्टोरियल। ठीक है, पांच में से तीन गैप सेलेक्ट किया और ये तीनों को रखा तो थ्री फैक्टोरियल, लेकिन ये गर्ल अपने अंदर भी अरेंज कर सकती है, जी वन जी टू जी टू जी वन दो केस बनते तो उसका अलग से एक टू फैक्टोरियल आएगा। सॉरी बच्चों पूरे केसेस लोगे तो सही आंसर आएगा, वैसे कैलकुलेशन हमने एक की भी नहीं की है, लेकिन फाइव सी थ्री मैंने शॉर्टकट जो बताया था, इसको फाइव इंटू फोर इंटू थ्री अपॉन थ्री फैक्टोरियल लिख देना, तीन तक कम किए थ्री, फिर ये थ्री थ्री कैंसिल हो गया और कैलकुलेशन हो जाएंगे। मुझे ये स्ट्रिंग और गैप मेथड पे था, एनपीआर और एनसीआर पे और भी क्वेश्चन बनते जैसे कि ज्योमेट्रिकल फिगर्स के।